बाघ बंदर रहता था। मीका अपनी तेज सोच और नटखट स्वभाव के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। वो बड़ी फुर्ती से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूल सकता था और हमेशा अपने चालाकी भरी मुस्कान से अपने साथी जानवरों को चकमा दे सकता था। एक दिन जब मीका पेड़ों पर झूल रहा था तो वह एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां लंबा और गर्व से खड़ा था तुम्हेनी नाम का एक विशाल हाथी। तुम्हेनी अपनी अविश्वसनीय ताकत और दयालु दिल के लिए जाना जाता था। वह अपनी सूंड से खाना और पानी इकट्ठा करता था और हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता था। मीका ने तुम्हेनी की ताकत के किस्से सुने थे, लेकिन उसने कभी हाथी को इतने करीब से नहीं देखा था। उसने देखा कि तुम्हेनी ने अपनी सूंड के एक ही झटके से एक छोटे से पेड़ को कैसे उखाड़ फेंका। मीका, जो कि एक जिज्ञासु बंदर था, खुद को तुम्हेनी से मिलने से रोक नहीं सका। वह पेड़ों से नीचे झूला और तुम्हेनी के सामने आकर खड़ा हो गया। नमस्ते, मीका ने उत्साह से भरी आवाज में कहा। मैं मीका हूँ, इस जंगल का सबसे चालाक बंदर, और आप महान तुम्हेनी ही होंगे जिनके बारे में मैंने बहुत सुना है। तुम्हेनी ने मीका को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ देखा। नमस्ते मीका, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और सुखदायक थी। आपसे मिलकर खुशी हुई मीका। अपने छोटे आकार के बावजूद तुम्हेनी के विशाल कद से बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने महसूस किया बिताते थे। मीका अक्सर तुम्हेनी की पीठ पर सवार हो जाता था। मीका को पता चला कि तुम्हेनी अपनी ताकत के बावजूद। चिंता मत करो सब लोग, तुम्हेनी गर्जा। उसकी आवाज ने चिंतित जानवरों को शांत कर दिया। हम आपको पार कराने का कोई रास्ता खोज लेंगे। मीका तुम्हेनी की पीठ से कूद गया और उसने चारों ओर देखा। नदी वास्तव में एक विकट बाधा थी। छोटे जानवरों के लिए तैरकर पार करने के लिए धारा बहुत तेज थी, और यहां तक कि तुम्हेनी भी अपनी सारी ताकत के साथ अगर उसने इसे पार करने की कोशिश की तो बह जाएगा। मीका जानता था कि उन्हें एक योजना बनाने की जरूरत है, और जल्दी। वह इधर उधर टहल रहा था, गहरी सोच में डूबा हुआ था, जबकि तुम्हेनी उसे धैर्य पूर्वक देख रहा था। दूसरे जानवर उम्मीद और घबराहट के मिश्रण से देख रहे थे। उन्हें मीका और तुम्हेनी पर भरोसा था, लेकिन स्थिति विकट लग रही थी। गर्जती हुई नदी एक अजेय बाधा की तरह लग रही थी। अचानक मीका के चेहरे पर रौनक आ गई। उसे एक तरकीब सूझी। तुम्हेनी, वह चिल्लाया। उसकी आवाज उत्साह से भर गई। मुझे पता है कि हम क्या कर सकते हैं। उसने जल्दी से तुम्हेनी को अपनी योजना बताई, जो ध्यान से सुन रहा था। हम आपकी ताकत और मेरी चतुराई का उपयोग करके एक पुल बना सकते हैं, मीका ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसने नदी के किनारे उगने वाले लंबे मजबूत बांस के पेड़ों के एक समूह की ओर इशारा किया। हम उन बांस के डंडों का उपयोग एक ऐसा पुल बनाने के लिए कर सकते हैं जो इतना मजबूत हो कि सभी को संभाल सके। तुम्हेनी अपनी अपार शक्ति से बांस के डंडों को आसानी से तोड़ सकता था, और मीका अपनी फुर्ती और गांठों के ज्ञान के साथ उन्हें सुरक्षित रूप से एक साथ बांध सकता था। ये एक जोखिम भरी योजना थी, लेकिन यही उनकी सबसे अच्छी उम्मीद थी। ये बहुत अच्छा विचार है मीका, तुम्हेनी ने कहा, इस बात से खुश होकर कि उनके पास एक योजना है। बाकी जानवर इकट्ठा हो गए। उनका डर उम्मीद की एक किरण से बदल गया। उन्होंने उत्सुकता से देखा, क्योंकि मीका और तुम्हेनी ने अपनी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया था। तुम्हेनी बांस के झुरमुट की ओर बढ़ा। उसके विशाल पैर उसे असमान इलाके में आसानी से ले गए। अपनी सूंड के कुछ शक्तिशाली झूलों के साथ उसने बांस के कई मोटे डंठल नीचे गिरा दिए। उसके हिलने डुलने से धरती हिल गई, लेकिन उसने सावधानी बरती कि आसपास भाग रहे छोटे जानवरों में से कोई भी कुचल न जाए। भाग 5, योजना पर अमल करना। इस बीच मीका ने मजबूत लताओं और बेलों का संग्रह इकट्ठा किया था। वह गिरे हुए बांस के डंठलों पर चढ़ गया। उसकी फुर्तीली उंगलियां उन्हें एक साथ बांधने के लिए तेजी से काम कर रही थीं। उसने गांठों को कसने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि पुल इतना मजबूत हो कि सभी जानवरों का भार सहन कर सके। तुम्हेनी सावधानी से बांस के बंधे हुए डंठलों को नदी के किनारे ले गया। उसकी सूंड ने उन्हें धीरे से उफनते पानी के पार रख दिया। मीका ने उसे निर्देशित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि बांस के डंठल समान रूप से दूरी पर हों और नदी के दोनों किनारों पर सुरक्षित रूप से लंगर डाले गए हों। जैसे ही उन्होंने काम किया, अन्य जानवरों ने भी मदद की। गिलहरी और पक्षियों ने छोटी शाखाएं और बेलें इकट्ठा की, जबकि बंदरों और लंगूरों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल तुम्हेनी को भारी बांस के डंठल लगाने में मदद करने के लिए किया। ये एक सच्ची टीम प्रयास थी। हर कोई एक सामान्य लक्ष्य की ओर मिलकर काम कर रहा था। भाग 6, एक सफल क्रॉसिंग। घंटों की अथक मेहनत के बाद पुल आखिरकार बनकर तैयार हो गया।
ये सबसे सुंदर पुल नहीं था, लेकिन यह मजबूत और मजबूत था। मीका और तुमैनी अपनी करतूत को निहारने के लिए पीछे हट गए। जो उन्होंने एक साथ हासिल किया था उस पर गर्व था। जानवर राहत और कृतज्ञता से अपनी आंखें चौड़ी करके पुल पार करने के लिए कतारबद्ध हो गए। एक एक करके वे सावधानी से अस्थाई पुल के पार अपना रास्ता बनाते गए। उनके खुर और पंजे बांस के खिलाफ धीरे से थिरक रहे थे। तुमैनी नदी के किनारे पर पहरा दे रहा था। उसका विशाल शरीर छोटे जानवरों को सुरक्षा की भावना प्रदान कर रहा था। उसने ध्यान से देखा, क्योंकि प्रत्येक जानवर सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच गया। उसकी सूंड से संतोष का एक कोमल गड़गड़ाहट निकल रही थी। मीका तुमैनी के सिर के ऊपर बैठा जानवरों की हौसला अफजाई कर रहा था। उसका दिल गर्व से भर गया। उसने अपने दोस्त की मदद करने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया था और साथ में उन्होंने एक दुर्गम चुनौती को पार कर लिया था। भाग सात, टीम वर्क का महत्व। जैसे ही आखिरी जानवर ने सुरक्षित रूप से नदी पार की, आभारी भीड़ से खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने मीका और तुमैनी को तहे दिल से धन्यवाद दिया। उनकी आवाजें प्रशंसा और सम्मान से भर गईं। धन्यवाद मीका, धन्यवाद तुमैनी, वे एक स्वर में चिल्लाए, आपने हमें बचा लिया। मीका और तुमैनी अपने साथी प्राणियों की प्रशंसा में डूब गए। उन्होंने एक कठिन चुनौती का सामना किया था, लेकिन उन्होंने एक साथ काम करके इसे पार कर लिया था। देखो मीका, तुमैनी गर्जा, उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी हुई थी, हमने ये कर दिखाया साथ मिलकर। मीका ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। हमने कर दिखाया तुमैनी, और हमने आज बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। वह क्या है, तुमैनी ने पूछा, ये जानने के लिए उत्सुक है कि उसके चालाक छोटे दोस्त ने क्या सीखा है। हमने सीखा कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है, मीका ने समझाया। उसकी आवाज उसकी उम्र से परे ज्ञान से भरी हुई थी। भाग आठ, एक अटूट बंधन। उस दिन से कैसे मीका चालाक बंदर और तुमैनी शक्तिशाली हाथी ने उफनती नदी के पार एक पुल का निर्माण किया, इसकी कहानी पूरे जंगल में एक किंवदंती बन गई। यह एक कहानी थी जिसे बताया और सुनाया जाता था। दोस्ती की शक्ति, टीम वर्क और दूसरों की मदद करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने के महत्व की याद दिलाता था। मीका और तुमैनी सबसे अच्छे दोस्त बने रहे, उनका बंधन अटूट था। वे जानते थे कि जीवन ने उनके रास्ते में चाहे जो भी चुनौती डाली हो, वे किसी भी चीज को पार कर सकते हैं, जब तक कि वे एक दूसरे के साथ हैं। उनकी कहानी इस बात का एक चमकदार उदाहरण बन गई कि कैसे सबसे छोटा प्राणी भी थोड़ी सी चतुराई से महान कार्य कर सकता है, और कैसे सबसे बड़ा दिल सबसे बड़ी ताकत धारण कर सकता है। ये दोस्ती की शक्ति का प्रमाण था, एक ऐसा बंधन जिसे कोई सीमा नहीं जानता था। भाग नौ, दोस्तों के माध्यम से और के माध्यम से। और इसलिए मीका चालाक बंदर और तुमैनी शक्तिशाली हाथी ने जंगल में अपने कारनामों को जारी रखा। उनकी हंसी पेड़ों से गूंज रही थी, उनकी स्थायी दोस्ती का प्रमाण। और जब हम एक साथ काम करते हैं तो असाधारण चीजें हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने हर चुनौती का सामना साहस, दया और अपने अद्वितीय और विशेष बंधन की शक्ति में एक साझा विश्वास के साथ किया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी थोड़ी सी सरलता और बहुत सारे दिल से कुछ भी संभव है।